गोवा में पली बड़ी, गोवा से ही बीसीए किया। पिता, जो कि गोवा में एक बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहते थे कि बिटिया साइंस की पढ़ाई करके डॉक्टर बने, लेकिन उनकी बेटी ने तो कुछ और ही ठान रखा था। यही वजह है कि उसने रक्षाबंधन पर अपने भाई से मिले मोबाइल के पैसों से लखनऊ आकर खुद का एक छोटा सा केक का स्टॉल लगा लिया और बेचना शुरू किया। ऐसा केक जो आज से पहले लखनऊ वालों ने कभी नहीं खाया था। ये दिलचस्प कहानी है गोवा की रहने वाली अंशु राय की। अंशु गोवा में अपने भाई, अपने पिता का बड़ा बिजनेस छोड़कर अपनी बहन के पास लखनऊ आ गई और घर में केक बनाना शुरू किया और सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगाकर तंदूरी केक बेचना शुरू कर दिया। तंदूरी केक का स्वाद लखनऊ वाले की जुबान पर इस कदर चढ़कर बोला कि हर महीने अंशु की कमाई 30,000 रुपए होने लगी है। केक के बम्पर ऑर्डर मिल रहे हैं। अंशु ड्रीम केक नाम से अपना छोटा सा स्टॉल कपूरथला चौराहे पर लगाती हैं और रोज शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक यहां पर केक बेचती है। आइए जानते हैं अंशु से कि उन्हें ये आइडिया कैसे आया। आपका नाम क्या है? अंशु राय। कहाँ की रहने वाली हैं? बेसिकली हम लोग तो गोवा रहते हैं और मैंने यहाँ लखनऊ वालों के लिए ने समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है तंदूरी बेक, क्योंकि नॉर्मली क्रीम को तो हम सब जगह खा सकते हैं, लेकिन और हमने तंदूरी बेक इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हॉट समथिंग हॉट लाइक लावा, तो न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी आपकी थोड़ी प्रोफाइल बता दीजिए, लाइफ मतलब कितना स्ट्रगल किया आपने और क्या एजुकेशन है आपकी? स्ट्रगल तो बहुत लाइफ में है और एक्चुअली ये मैं अपने दम पे करना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली सपोर्ट से नहीं लेना चाहती। मेरे फादर एक्चुअली बिजनेसमैन है और फैमिली बैकअप अच्छा है, लेकिन मैं स्टार्टिंग अपने मोबाइल के पैसे से ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मेरे भाई ने जो राखी में जो पैसे दिए थे। अच्छा, भाई ने राखी रक्षाबंधन पे जो पैसे दिए उससे शुरू किया है? जी, उन्होंने मुझे मोबाइल के लिए दिए थे, मैंने ये स्टार्ट कर दिया। समथिंग पैशन को फॉलो किया मैंने। अच्छा, उसी पैसों को आपने जरूरत में लगा दिया। जी, तो फैमिली क्या करती है, फैमिली बारे बताएं। फैमिली में हमारे गोवा में बिजनेस चलता है, मेरे वेन्ना इंडस्ट्रियल में चलता है मैन पावर के, मेरे पिताजी का, और मेरे भाई भी उसी में है, मेरी सिस्टर यहीं पे रहती है, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। तो आपने कहाँ तक की एजुकेशन की, क्या किया? मैंने BSc किया है। कहाँ से? गोवा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, फिर आप यहाँ कैसे आए, यहाँ के बारे में बताएं कैसे आना हुआ? यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ, मतलब मैंने देखा कि यहाँ के सराउंडिंग बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग खाने पीने वाले नए शौकीन, नए कॉन्सेप्ट लाते हैं, लोगों को कैसा लगता है देखते हैं, अच्छा लगेगा। तो फिर आपने शुरुआत कब की इसकी? ये हमने प्रेम मंदिर जो लगा था सेक्टर जानकीपुरम में, वहाँ पे मैंने शुरुआत की। पहला मौका मुझे सौरभ जी ने दिया था, उन्होंने कहा था यहाँ पे लगा के देखो, अच्छा रिस्पांस होगा तो आगे चलिएगा आप। अच्छा, और फिर यहाँ कब आया महानदी? ये दिवाली के बाद हम यहाँ पे आए। तो यानी कैसी है यहाँ की बिक्री आपकी? यहाँ की भी अच्छी है, अच्छी सेल हो रही है। जी, आपकी स्पेशल केक कौन सा है? हमारी स्पेशल ये तंदूरी केक है मैम। इसकी खासियत क्या है? ये हम बेक करके तंदूर में देते हैं। लोगों ने पिज्जा तो बहुत खाया, तंदूरी पिज्जा खाया, तंदूरी चाय पिया है। तंदूरी केक में ये कुल्हड़ में एक तो है, दूसरा आप इसको तंदूर में बेक करते हैं, और तीसरा ये लाइक चॉकलेट लावा की तरह है। अच्छा, आप घर पे बनाते हैं सारी चीजें? हाँ जी, मैं घर पे ही बनाती हूँ, और मैंने ऐसे बनाया कि यहाँ पे बेक करके अगर कस्टमर घर भी लेके, अपने गैस पे भी कर सकता है, माइक्रोवेव भी कर सकता है, उसके हिसाब से मैंने बनाया। क्योंकि नॉर्मल क्रीम तो देखिए सब जगह मिलता है, समथिंग न्यू मैंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया है लोगों के लिए। 70 रुपीज है। और कौन से स्पेशल केक्स आपके पास जो बिकते हैं? हमारे पास चॉकलेट केक है, रेड वेलवेट बनाते हैं और लावा बनाते हैं, और ब्राउनी है हमारे पास। सबकी रेट बता दी, रेट क्या? अच्छा, इसके चॉकलेट के 70 है, ब्राउनी के 120 है। सबसे ज्यादा कौन सा केक बिकता है यहाँ? तंदूरी बिकता है और चॉकलेट बिकता है। तंदूरी और चॉकलेट ज्यादा बिकता है। लोकल 18 के लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।